हेलो स्टूडेंट, आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर टू द प्लांट फेरी। आज अपन ईवीएस के अंदर चैप्टर टू प्लांट फेरी रीड करने वाले हैं। इस प्लांट फेरी चैप्टर में क्या बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे गार्डन में जाते हैं, वहाँ बहुत सारा गेम खेलते हैं और उनका एक अच्छा आइडिया होता है उनकी दीदी का कि प्लांट के गार्डन के अंदर जो वो गेम खेलते हैं उनसे उनको बहुत सारे लीफ प्लांट्स और ट्री की उनको पहचान हो जाती है। वो जान जाते हैं कि लीफ अलग तरीके की होती है, प्लांट छोटे होते हैं और ट्री बड़े होते हैं, यही इसमें बताया गया है। देखो अपन थोड़ा रीड करते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते थे। लास्ट संडे वी वेंट टू द गार्डन इन नेबरहुड। पिछले संडे को बच्चे अपने पास के गार्डन में जाते हैं। वी प्ले हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी। वो वहाँ क्या प्ले करते हैं? हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी वो प्ले करते हैं। वी हैड ए लॉट ऑफ फन। उनको बहुत मजा आता है। आफ्टर समथिंग सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले ए न्यू गेम टूडे। दीदी थोड़ी देर बाद सोचती है और बोलती है क्यों आज अपन एक नया गेम खेलते हैं। आई विल बिकम ए प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट ए नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव ए टच इट। मैं एक प्लांट फेरी बनेगी, वो कहेगी उसी के अनुसार आपको उस प्लांट्स को टच करना है। तो प्लांट फेरी ऑर्डर देती है और उसी के अनुसार बच्चे प्लांट्स को टच करते हैं। देखो वो कौन कौन से प्लांट टच करते हैं। अमू हेल्ड द मेरी गोल्ड प्लांट। अम्मू को मेरी गोल्ड प्लांट टच करने के लिए कहते हैं तो अम्मू मेरी गोल्ड का प्लांट टच करती है। वो करता है सबनम सेट टचिंग ए जैस्मिन प्लांट सेट। सबनम क्या करती है? जैस्मिन का प्लांट टच करती है। मिकल टच है मेहंदी बूस। मिकल क्या होती है? मेहंदी की बूस। बूस यानी क्या होती है? एक छोटा प्लांट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। तो मेहंदी की बूस को टच करती है। दयाराम कैच होल्ड ए नीम ट्री एंड शूट देयर। दयाराम क्या होता है? नीम ट्री। नीम का ट्री देखा है कैसा होता है? ट्री क्यों बोला? क्योंकि बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। जो बहुत बड़े होते हैं एंड बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो क्या होगा? ट्री। ट्री स्ट्रॉन्ग होता है ना नीम का, उसका जो ट्रंक होता है वो थिक होता है, बड़ा होता है, ठीक है नी मोटा। तो इसीलिए नीम के को क्या बोला है? नीम के ट्री को नीम का ट्री बोला है। वो दयाराम जाता है उसको टच करता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से गार्डन में इस तरह वो प्लांट्स को टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है ये मेरी गोल्ड है, ये जैस्मिन है, ये मेहंदी बूस है और ये नीम का ट्री है। नेक्स्ट, ये उनको ये खेलने में बहुत मजा आता है। दीदी उनको वेरी गुड बोलती है। इसी तरह से वो ये गेम आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा कैन यू नेम द प्लांट वन दीदी वाज सिटिंग। दीदी जहाँ एक दीदी गार्डन में जहाँ बैठती है वो क्या होता है? ग्रास होता था। आपको पूछा जाएगा, यह है देखो क्वेश्चन रहा, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग। जहाँ दीदी बैठी है वो वहाँ कहाँ बैठी है दीदी? तो अपन कह सकते हैं यस आई कैन से, मैं कह सकता हूँ कि दीदी वाज सिटिंग ऑन द ग्रास। दीदी कहाँ बैठी है? ग्रास पे बैठी है। दीदी कहाँ बैठी है? ग्रास पे बैठी है। बच्चे इसी तरह से गेम खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो बच्चे पिक्चर में बताया गया है, जो तीन बच्चे पकड़ रखे हैं वो क्या थिक प्लांट है। क्या है? थिक, क्योंकि एक बच्चे से थिक बड़ा मोटा होता है तो वो नहीं पकड़ा जाता, तो उन्होंने तीन ने ये हेल्प करी है। और यह दूसरा क्या है? वन थिन। वन बच्चा है वो क्या पकड़ रखा? थिन ट्री को। तो थिन यानी अपन पहचान गए कि थिन यानी पतला होता है और थिक यानी मोटा होता है। इसी तरह वो आगे जाते हैं और लिप को देखते हैं। बहुत सारी गार्डन, उनकी दीदी उनको बोलती है गार्डन से लिप लेके आओ पर तोड़ना मत। आप भी किसी गार्डन में जाओ तो आपको प्लांट और जवान की पत्तियां होती है उनको नहीं छूना चाहिए। तो छू लो बिना परमिशन के, उनको छूना भी नहीं चाहिए और छूओ तो उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि गार्डन में फूल और पत्तियाँ अच्छे दिखते हैं तो अपने को सुंदर लगता है और अपना गार्डन भी अच्छा दिखता है। इसी तरह से ट्री प्लांट और लिप को अपने को तोड़ना नहीं चाहिए। वो बच्चे इतने समझदार है वो नहीं तोड़ते, वहाँ जो बिखरी हुई होती है वो इकट्ठा करके दीदी के पास लेके आते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, डू यू ऑल लिव हैव सिमिलर कलर शेप इन मार्गन। क्या सभी लिव का वो एक समान कलर की शेप और मार्गन सब एक ही तरह की होती है? अपन कह सकते हैं नो, सभी प्लांट जो लिव होती है वो अलग अलग कलर शेप और साइज में होती है। फिर देखो दयाराम बोलता है, दयाराम सेड आई डिड नॉट नो देट अ ट्री देर वाज ए मेनी टाइप ऑफ लीव। लुक सम आर राउंड, कुछ राउंड में है, कुछ लॉन्ग है और कुछ रेंगल में है। तो इससे उनको ये नॉलेज हो गया कि पत्ती एक आकार शेप और साइज की नहीं होती है। फिर अम्मू आती है, अम्मू कहती है इसी तरह से इनके कलर भी डिफरेंस होते हैं। देखो लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, येल्लो, पर्पल
और ग्रीन, ये सब तरह के उनके कलर होते हैं, तो उनको कलर का, साइज का और शेप का नॉलेज हो गया कि वो ये गेम खेले, तो फिर उनको ये गेम खेलने से बहुत मज़ा आता है। तो अब्बू और शबनम दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, हमें भी प्लांट फेरी बनना है, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। क्यों प्लांट फेरी बनने की जिद करी? क्योंकि प्लांट फेरी गेम से उनको बहुत मज़ा आया, उनको अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में पता चला, लीफ के बारे में पता चला। इसी तरह से आप अगर अपन को ऐसे ही गेम खेलते हैं जिससे अपने को कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा गेम अपने को नहीं खेलना चाहिए। आप कहीं पर भी जाओ तो ऐसे अपने टाइम को यूज करना है जिससे अपने को कुछ सीखने को मिले। तो दीदी बोलती है प्लांट फेरी, वो दीदी बनती है, वो बोलती है नहीं आज अपन को नहीं खेलेंगे, अपन नेक्स्ट संडे वापिस आएंगे, अपना घर चलने का टाइम हो गया है। तो इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या सीखा? प्लांट्स के बारे में, ट्री के बारे में और लिफ्ट के बारे में, ये अपने को अभी नॉलेज हो गया। वो बच्चे इसी तरह का गेम खेला। इस आगे अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन, विच ट्री हैव यू सीन हुज ट्रंक इज वेरी थिक? अभी अपन ने बताया था ना कि जिसका ट्रंक थिक होता है, आपने ऐसा प्लांट देखा है? देखो देखो तो नीम का ट्री इसमें नाम आया है, पर बहुत सारे ऐसे ट्री होते हैं, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बनियन ट्री और बहुत सारे ऐसे ट्री होते हैं जिनका जो ट्रंक होता है वो थिक होता है। अपन यहाँ बनियन का नाम लिख देंगे। आई हैव सीन द बनियन ट्री हैव ए वेरी थिक ट्रंक। हमने बनियन का ट्री देखा है, उसका जो ट्रंक होता है वो बहुत थिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हु वेंट टू द गार्डन विथ दीदी? दीदी किसके साथ गई थी गार्डन में? कौन कौन गया था उसके साथ में? उसके साथ में अबू, शबनम, मिकल एंड दयाराम, ये उसके साथ गार्डन में गए थे। तो इस चैप्टर के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्लांट भी होते हैं जो अपने मेडिसिन के यूज़ में भी आते हैं, डेकोरेशन के यूज़ में भी आते हैं, और अपन उनको देख के कुछ बहुत सारी चीज़ और बहुत सारे आइडिया उनसे लगा सकते हैं। जैसे आपने तुलसी प्लांट देखा है, तुलसी प्लांट जब आपको खांसी हो जाती है, मम्मी तुलसी की पत्ती आपको ला के देती है ना, वो अपने मेडिसिन के यूज़ में हो गया। नीम के जो उसकी टहनी को तोड़ते हैं तो पहले के लोग उसी से दांतुन करते थे तो उनके दांत मजबूत होते थे, और बबूल का ट्री भी बहुत बड़ा होता है, उसे भी वो अपने दांत, वो टीथ अपने दांत साफ करने के काम में आता है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने यह सब देखा। थैंक यू। आपको यह सब देखना है, इसे आपको वर्कबुक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अपने आप खुद आ जाएंगे। ओके।